कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप खोलकर अपना दिखा देता हूँ, तो ये मैं अपना व्हाट्सअप ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं एक किसी दोस्त का अपने ले लेता हूँ, जैसे वो देख रहे हो कि यहाँ पर दो मैसेज वो किया था डिलीट हो गया। तो उस डिलीट मैसेज को आपको कैसे देखना है, कैसे रिकवर करेंगे कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं, तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, 5 से 6 MB का है। उससे आपकी ये व्हाट्सएप की या किसी भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आपके पास किसी भी कोई भी मैसेज करेगा तो आपको सिंपली वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन से। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो यहाँ पर रोजाना मिलता रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने डिलीट मैसेज को रिकवर करके अपने को पता कर सकते हैं कि उसने क्या भेजा है। वो फोटो या इमेज या कुछ भी भेजेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो जैसे मैं मैसेज के लिए आपको दिखा देता हूँ, वो मैसेज ये डिलीट जो किया है ये मतलब कैसे आप रिकवर करेंगे तो वो मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाकर अपने गूगल प्ले स्टोर सभी के पास होंगे, यहाँ पे आपको सिंपली जाकर सर्च करना है नोटी सेव। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे किनारे आप देख रहे होंगे क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वही आप टाइप करें जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना नेट ओपन कर रहा हूँ, और नेट ओपन करने के बाद से नोटी सेव का ऑप्शन मांग रहा है पहले वाला, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर ये आपका इस तरह का लोगो दिखाई देगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। 7 से 6 MB का है, तो आप वीडियो को पुश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम MB का है और जल्दी ही ये अपलोड मतलब डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे पहले ओपन करेंगे, तो क्या क्या आपको ऑप्शन मांगेगा, तो इससे आपको कैसे क्या करना है। तो आपको सिंपली ये स्टार्ट मतलब आपका ये काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका डाउनलोड होने वाला है, 95% हो गया है, तो ये थोड़ी सी समय लग रहा है। तो आपको यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको सिंपली ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे, तो इस ओपन होने के बाद से आपको क्या करना है और कैसे इसको मतलब मैसेज को व्हाट्सएप को मतलब लोग अपने रिकवर करें, आपको यहाँ पे मांगेगा तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे, और अलाउ पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन कर रहा है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको वो मतलब साइट आपको मतलब वो एप्लीकेशन देख रहा है, तो पहले दूसरे नंबर पर नोटिस सेव का एप्लीकेशन मिल जाए तो इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर अलाउ क्लिक कर देंगे। तो फिर से आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद से फिर से आपको एक और मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउ करते जाएंगे और यहाँ पर वो लोडिंग एप्लीकेशन मतलब जितने भी आपके पास एप्लीकेशन वो लोडिंग यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किसका किसका नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, किसको मतलब रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर जितने भी आपके पास एप्लीकेशन होंगे तो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास चाहिए तो उसको आपको ऑफ करके रखना है, और जिसका नहीं चाहिए उसको ऑन करके रखना है। तो जैसे मैं आपको व्हाट्सअप के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं व्हाट्सअप को बंद करके रखूँगा और बाकी को मतलब सबको ऑन करके रखूँगा। जैसे जीमेल को मैं ऑन कर दे रहा हूँ, इसको भी ऑन, ये भी ऑन, और ये भी ऑन, और ये भी, और यूट्यूब की भी ऑन हो गया। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सअप का मैंने ऑफ करके ही रखा है। तो आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद से ये फिर से लोडिंग होगा, और यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और फिर उसी वेबसाइट को आपको देखना है। तो BPET यहाँ पे आपको दे रहा है, और भी मतलब उस एप्लीकेशन को आपको ढूंढना है कि जिसका डाउनलोड आपने किया है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और उस एप्लीकेशन को ढूंढना है। तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन कहाँ है, तो मैं यहाँ पे उसका एप्लीकेशन कहाँ है तो देखते रहना, ये रहा नोटिफिकेशन नोटिस सेव, इसको आपको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद से बैक आना है। अब देखिए यहाँ पे आपका वो शुरू हो गया, आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं है कि वो स्टेटस है, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटस, वन स्टेटस अभी कोई डाउनलोड किया है तो वही आया है। तो मैं एक व्हाट्सअप मतलब किसी के व्हाट्सअप से मतलब मैसेज करवा कर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उसका मैसेज डिलीट करवा कर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उसका डिलीट मैसेज भी यहाँ पे कैसे आप देखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पुश करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जो मैसेज आया है तो उसका मतलब डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं मैसेज व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ, और ये आप देखिए उसका 3 मैसेज आया है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसने मैसेज को डिलीट कर रखा है।
तो इसको मतलब मैं आपको उस एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ कि इसने क्या लिखा है, तो मैं करके वहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या क्या टाइप किया है वहाँ पर। तो उसको सिंपली आपको यहाँ पर ओपन करना है नोटिस ऐप को। नोटिस ऐप को ओपन करने के बाद से आप देख रहे हैं कि उसने तीन मैसेज जो ने डिलीट किया था, तो उसने क्या डिलीट किया था, क्या क्या लिखा था, तो आपको देख रहे हैं हु आर यू फ्रेंड हाई, ये मतलब ये तीन मतलब वर्ड जो आप उसको उसने लिखा था, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और इसी तरह का नेक्स्ट टेक वीडियो मतलब अगले दिन आपको मिलेगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो थैंक यू एंड धन्यवाद।